बुढ़ापे के समय में घर द्वार पर पेंशन संबंधी दिक्कतों का निपटारा होने पर बुजुर्गों में खुशी है। हमीरपुर में दो दिनों तक चली पेंशन अदालत में दूर दूर से बुजुर्ग पेंशनरों ने पहुंचकर अपनी समस्याओं का निदान पाया है। हमीरपुर के हमीर भवन में दो दिनों तक लगी पेंशन अदालत में 100 के करीब पेंशन संबंधी समस्याओं के मामले पहुंचे हैं, जिन्हें मौके पर ही निपटारा किया गया है। पेंशन अदालत महालेखाकार कार्यालय शिमला के सहयोग से आयोजित किया गया। महालेखाकार विभाग वरिष्ठ लेखा अधिकारी चिंतन शर्मा ने बताया कि दो दिनों तक चली पेंशन अदालत का पेंशन भोगियों को काफी लाभ मिला है। उन्होंने बताया कि इस साल का पहला पेंशन अदालत हमीरपुर में लगा है, जिससे 70 लोगों की शिकायतें सुनी गई और जिनका मौके पर ही निपटारा किया गया है। वहीं पेंशन की शिकायतों का निपटारा करने के उद्देश्य से पेंशन अदालत लगाई गई थी, जिसके चलते लोगों को लाभ पहुंचा है। उन्होंने कहा कि इसी साल मई माह में चंबा व ऊना जिला में पेंशन अदालत लगाई जाएगी। उन्होंने बताया कि पेंशन अदालत में 80 साल से ऊपर के बुजुर्गों की समस्याओं को भी प्राथमिकता पर निपटाया है। हमारा प्रयास है कि पेंशन भोगी या डीडीओस जो पेंशन केसों को तैयार करके महालेखाकार कार्यालय को भेजते हैं, समय पर वो भेजें ताकि उनका जो निपटान उन समय पर कर सकें और पेंशन भोगियों को जो या पारिवारिक पेंशन भोगियों को जो देय लाभ है वो सरकार के द्वारा निर्धारित नियमों या उसमें जो भी संशोधन होते हैं उसके मुताबिक उनको समय पर मिल सके। इसके अतिरिक्त हमारे कार्यालय का ये प्रयास है कि इस वर्ष में हमारा मई में और उसके बाद सितंबर में और नवंबर में चंबा और अन्य जिले जैसा ऊना में भी ऐसे कार्यक्रम किए जाने पर स्वागत है। सर, क्या लगता है कि जो मूल उद्देश्य था इस पेंशन अदालत का पूरा हो पाया है? हाँ, मूल उद्देश्य पूरा हो पाया है। कुछ बुजुर्ग लोग जिनकी आयु 80 वर्ष से भी अधिक थी, उनको अतिरिक्त पेंशन के रूप में जो सरकार देती है नियमों के अंतर्गत, जिनको कोई किसी तरह की कोई डाउट था या कोई नहीं मिल पा रहा था, तो हमारे जिला कोषाधिकारी या डायरेक्टर TND से डिप्टी डायरेक्टर महोदय आए थे, तो उनके माध्यम से भी हमने उन मामलों को निपटाने के लिए जो है उनको कहा है। हमारे पास लगभग जो है 70-80 मामले ऐसे नोटिस्ड हुए हैं। वैसे तो 100 से ज्यादा लोग आए हैं, लेकिन 40-50 मामले तो हमने मौके पर ही निपटान कर दिया है। पेंशन अदालत में पहुंचे बुजुर्ग अनिरुद्ध शर्मा ने बताया कि पेंशन लेने वालों के लिए अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए पेंशन अदालत में लाभ मिला है। कार्यालय महालेखाकार द्वारा यहाँ 2 दिवसीय मतलब कार्यशाला का आयोजन किया गया, उसमें जो पेंशनर थे जिला के मतलब हमीरपुर के, उनको बहुत ही लाभ हुआ है, क्योंकि उनकी मतलब अपनी कई शिकायतें थी, किसी की डेट ऑफ बर्थ में फ़र्क था, किसी को मतलब ग्रेजुटी में फ़र्क था, कोई किसी को मतलब अपने बेसिक पे में फ़र्क था, तो उसको मतलब यहाँ 2 दिन में मतलब अपने महालेखाकार से आए हुए पदाधिकारियों ने उनकी मतलब शिकायतों को सुना और शिकायतों को बल्कि मतलब ऐसे सुना उन्होंने, मतलब जैसे मतलब कोई अपने बच्चे की मतलब शिकायत माता सुनती है। स्नाही से पेंशन संबंधी समस्या लेकर पहुंचे व्यक्ति ने बताया कि पेंशन अदालत ने लोगों को लाभ मिला है और इस तरह की पेंशन अदालत 3 महीने बाद लगनी चाहिए। उन्होंने बताया कि पेंशन भोगियों को समस्याओं को लेकर दिक्कतें होती थी, लेकिन इस तरह अदालत लगने से सुविधा मिली है। पेंशन अदालत का ये प्रोग्राम अटेंड किया है, ये बहुत ही हमारे लिए बेनिफिशियल है और मैं तो चाहूँगा कि ये जो पेंशन अदालत है ये क्वार्टरली भी कंडक्ट होना चाहिए बाय द एजी ऑफिस, सो दैट वी कैन ऑल्सो वी गेट द बेनिफिट फ्रॉम देयर व्यूज एंड सो दैट वी कैन बी मेक द पेंशन केस सेटल इन दिस रिगार्ड। सो आई रिक्वेस्ट टू द गवर्नमेंट कि दे शुड ऑल्सो सेंड द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द AG थ्रू आउट द डिस्ट्रिक्ट इन क्वार्टरली बेसिस, सो दैट द प्रॉब्लम मे बी ऑल्सो सॉल्व इन रिगार्डिंग द पेंशन केसेज।